Hello everyone. Now it's maths time. And in maths, we are doing first chapter numbers up to 200. And in the previous period, we had done about order of numbers and even and odd numbers. That we had completed. And now today we will see ordinal numbers. Ordinal numbers means what? Numbers are sometimes used to tell the order of positions of things. उसका मतलब यह है कि कई बार हमें नंबर से उसकी पोजीशन का पता चलता है कि वो कौन से नंबर पे है और वो कैसे. जैसे कि जब हम स्कूल में होते हैं तो हम देखते हैं फर्स्ट बेंच पे कौन बैठा है, सेकंड पे कौन बैठा है. सो दीज आर द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. सो वो हमारे बेंचेस, हम कई बार बोलते हैं कि तुम फर्स्ट सेकंड पे, फर्स्ट बेंच पे बैठो, सेकंड पे बेंच पे बैठो. उसी तरह अगर कोई गेम होती है या कोई कंपटीशन होती है तो उसमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उसका अवार्ड्स वगैरह होते हैं. विनर को हम ट्रॉफी देते हैं तो उसमें भी पोजीशन होती है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. सो दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स. दैट शोज अस द ऑर्डर ऑफ पोजीशन ऑफ थिंग्स. मतलब कोई भी चीज की हमें वो पोजीशन बताता है. अब जैसे यहाँ पे देखो कि ये पिक्चर में दिखाया गया है कि सब लोग बैंक में जा रहे हैं. दे ऑल आर स्टैंडिंग इन अ क्यू. सो These are the position of the persons. They are standing in a queue. So here it is written first. This is the name of the first, matlab spelling of the first. Then second, third, fourth, fifth, till tenth it is written. So see, 1, 2, 3, that we are writing, but these are the position. That's why we will not write only 1, 2, 3. These are the positions. That is why it is written first, second, third, fourth. So these numbers that shows us the position of things, these numbers are called ordinal numbers. Okay? And I know all of you know these numbers also very well. Now, मुझे पता है आप घर पे भी अपने भाई या बहन के साथ जब खेलते हो कुछ भी, या तो आप खाना खाने बैठते हो तो मम्मा भी बोलती होगी कि आप दोनों खाना खाने बैठो, मैं देखती हूँ कौन फर्स्ट आता है ना. सो फर्स्ट, सेकंड, दीज आर द वर्ड्स दैट यू हैड हर्ड एट होम आल्सो एंड व्हेनेवर यू आर प्लेइंग विथ योर फ्रेंड्स. एट दैट टाइम आल्सो वी आर सेइंग लाइक दैट, आई विल बी फर्स्ट, आई विल बी फर्स्ट. एंड ऑल ऑफ यू वॉन्ट टू बी फर्स्ट ओनली, दैट आई नो. So these are the numbers that are called ordinal numbers. In this picture, the person on the topmost step in first in line and the person on the bottom most step in a tenth line. तो जैसे मैंने बताया कि ये सारे person line में खड़े हैं. जो सबसे पहले number पे है it is called first and जो last में है वो है tenth. These are the ordinal numbers. You have to remember the spelling also and mind well. You don't have to write the mistake like this. This common mistake, wherever it is given, you have to read it very carefully because you all are doing the same mistake. See here, fourth, F-O-R-T-H is written, but the spelling of the fourth, that is F-O-U-R-T-H, that is the correct spelling. But common mistake is this fourth. You all are writing like this, it will be wrong. Second, the spelling of ninth. So the spelling of ninth will be N-I-N-T-H only. N-I-N-E-T-H, it will be mistake. So be careful and read these spellings very carefully. Now here the exercise is given. This is action exercise and that you all will do with very, very, with interest. Aur aapko bahut maza aayega.
उसमें क्या करना है, ड्रॉ 10 बीट्स ऑन द स्ट्रिंग देन कलर। यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग दी गई है उसमें आपको कितने बीट्स ड्रॉ करने हैं, 10। 10 बीट्स, बीट्स यानी छोटे छोटे सर्कल्स आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और बहुत नजदीक नजदीक नहीं करना है, थोड़े थोड़े दूर करना है। जैसे एक यहाँ पे करो, फिर दूसरा यहाँ पे, फिर तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ, सिक्स, मतलब कि थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस करके यहाँ तक आपको लेके जाना है। तो एक साथ में ही यहाँ पर 1 से 10 आपको ड्रॉ नहीं करना है। और उसमें आपको क्या करना है, जब 10th बीड आपके ड्रॉ हो जाए, उसके बाद फर्स्ट बीड ब्लू, जो फर्स्ट है उसमें ब्लू कलर करना है। थर्ड बीड है उसमें आपको ग्रीन करना है। फिफ्थ है उसमें ऑरेंज कलर करना है। सेवेंथ बीड है उसमें रेड कलर करना है। और 9th बीड है उसमें आपको येलो कलर करना है। ओके, ये जो बीड्स के पोजीशन दी है उसी पोजीशन में आपको इन यहाँ पे जो कलर्स दिए गए हैं वो कलर्स आपको बीड में करने हैं। सो इट इज वेरी इजी एंड आई नो ऑल ऑफ यू वुड लव टू डू दिस। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज योर होमवर्क। ओके, एंड नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज। हियर मैच द प्लेसेस ऑफ ईच चाइल्ड टू द कॉर्डिनल। मतलब कि ये यहाँ पर जो नीचे लिखे हुए हैं वो कॉर्डिनल नंबर्स है, सॉरी ऑर्डिनल नंबर्स है। और यहाँ पर सारे स्टूडेंट लाइन में खड़े हैं, तो कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकेंड है, वो आपको लाइन में ड्रॉ करना है। क्योंकि यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं वो सीक्वेंस में नहीं है। यहाँ पर सबसे पहला नंबर फर्स्ट नहीं लिखा है, ये थर्ड है, सेकेंड है, फर्स्ट है, नाइन्थ है, सेवेंथ है। तो ये जो ऑर्डिनल नंबर है वो सीक्वेंस में नहीं है, पर यहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करके जो सही नंबर पे खड़ा है वहां पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे कि थर्ड, तो थर्ड कहाँ पर है, तो ये तो थर्ड यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है, पर थर्ड बच्चा कौन सा है, तो यू हैव टू ड्रॉ द लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल लाइक दिस, दिस इज थर्ड। देन सेकेंड, वेर इज सेकेंड, देन यू हैव टू ड्रॉ द लाइन विद द स्केल सेकेंड। देन फर्स्ट, वेर इज फर्स्ट, हियर इट इज फर्स्ट। ओके, लाइक दिस। नाउ नाइन्थ, वेर इज नाइन्थ, सो नाइन्थ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नाइन्थ टू नाइन्थ स्टूडेंट। ओके, देन सेवेंथ, देन यू हैव टू ड्रॉ द लाइन टिल सेवेंथ, यू हैव टू काउंट 1 2 3 4 5 6 7, हियर इज 7, सो यू विल ड्रॉ द लाइन लाइक दिस, दिस इज 7। ओके, लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज बाय योर सेल्फ, इट विल बी enjoyable for you, okay? आपको मजा आएगा। Then third exercise, here it is given. I live on the third floor of a building with 10 floors. How many floors are below me? How many floors are above me? Now see what is there in this question? कि मैं third floor पे रहती हूँ और मेरा जो building है वो 10 floors का है। तो हाउ मेनी फ्लोर्स आर बिलो मी, अगर मैं थर्ड पे रहती हूँ तो मेरे नीचे कितने फ्लोर्स आएंगे, तो थर्ड के नीचे कितने आएंगे, थर्ड से पहले कितने फ्लोर्स आएंगे, सेकेंड एंड फर्स्ट, तो 2 फ्लोर्स विल बी देयर। एंड बिलो एंड अबव, थर्ड से ऊपर 4th 5th 6th 7 8 9 and 10th. How many will be there? 7 floor will be there. So here you have to write below 2 and above 7. Okay? I will send the PDF for the answers also. Now next question. Look at your class timetable to fill in the blanks. Now this is your homework. You can write from your
टाइम टेबल. ओके, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट पीरियड टूडे इज, आज आपका पहला पीरियड कौन सा था, सो दैट सब्जेक्ट यू हैव टू राइट. ओके, सो वेन एवर वी विल डू दिस एक्सरसाइज ऑन दैट डे, विच पीरियड वॉज फर्स्ट फॉर यू, दैट पीरियड यू हैव टू राइट. ओके, सो टुमोरो वी विल डू दिस एंड यू विल वॉच दिस वीडियो. सॉरी, टूडे यू विल वॉच दिस वीडियो. टूडे इज द डेट 7/5, मतलब 7th मे, तो 7th यानी कि फ्राइडे विल बी देयर. सो द फ्राइडे, ऑन फ्राइडे विच पीरियड वॉज फर्स्ट, दैट यू हैव टू सी इन योर टाइम टेबल, एंड आफ्टरवर्ड यू हैव टू राइट हियर द सब्जेक्ट विच पीरियड वॉज देयर. देन मैथ्स इज इन द डैश पीरियड. मैथ्स इज इन द फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड. ओके, द सिक्स पीरियड टूडे इज, सी नाउडेज वी आर टेकिंग ओनली 3 पीरियड्स, सो 6 पीरियड टूडे इज, वी डोंट हैव एनी 6 पीरियड, तो यू कैन राइट एनी सब्जेक्ट हियर. ओके, इंग्लिश इज इन द डैश पीरियड. आज फ्राइडे के दिन इंग्लिश का पीरियड अगर है, तो वो कौन से पीरियड में है, वो पीरियड का नंबर लिखना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नाउ दिस इज द चैलेंज. विच इज माय फेवरेट एनिमल, क्रॉस आउट एज यू रीड द क्लूज. यहाँ पर क्लूज दी गई है जिसमें से आपको पता चलेगा कि मेरा फेवरेट एनिमल कौन सा है, तो यू हैव टू रीड दिस क्लू and then circle the animal. Okay, now this is your homework, and that you will enjoy to do this homework, so that is why you will do it by yourself. So now I hope all of you understood this ordinal numbers, and here I am going to end the chapter also. Here our chapter is also completed. And after this page, a chapter checkup is there, that will be your homework. And of course, one page after the chapter checkup, that is worksheet, that is also your homework. Okay, so I hope all of you understood this and complete the work after watching the video. Okay, thank you and have a nice day.